नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत एक नई वैकेंसी को लेकर सूचना भी जारी कर दिया गया है, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे सूचना दिखलाई दे रहा है, जो कि 19/9/2024 की डेट में जारी किया गया है। और इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया आने की शुरू भी कर दिया गया है, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। ऑनलाइन लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। आने के एक वैकेंसी निकल कर आई है पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत। इसी वैकेंसी के बारे में हम शुरू में बात करने वाले हैं कि सैलरी आपको कितना मिलेगा, कितना योग्यता लगने वाला है और कौन कौन से पोस्ट वैकेंसी आई है। आने की तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको जानकारी बता देते हैं कि इस नोटिफिकेशन आपको देखना कैसे है, कहाँ चीज़ का ऑनलाइन आवेदन लिंक मिलेगा। तो उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस वाले वेबसाइट पर चलेंगे, यानी कि बिहार सरकार का ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको पता ही होगा। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पंचायती राज डिपार्टमेंट का जो ऑप्शन दिखलाई दे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली पंचायती राज डिपार्टमेंट का ऑफिशियली वेबसाइट पर आप चले आएंगे। अब इस पे आएंगे तो नीचे का स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के सृजित पदों के नियोजन संबंधित। और ये रहा आवेदन लिंक, जिस इस पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन लिंक इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, उसके बाद आप आवेदन आप खुद से ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझिएगा किस वैकेंसी को लेकर आवेदन कब से लिए जाएंगे, लास्ट डेट कब तक रखा गया, कौन सी पोस्ट वैकेंसी आई है, इसके बारे में आपको सबसे पहले समझना होगा। तब सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं बताया गया बिहार सरकार पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जो कि इनका जो प्रशासक है आलोक कुमार है, जो कि विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, जो कि सेवा में किन को निर्देश देते हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को, यानी कि इनका निर्देश देते हैं कि वैकेंसी को लेकर सूचना जारी किया गया। विषय में इनके द्वारा बताया गया कि पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के सृजित पदों पर नियोजन हेतु सूचना प्रकाशित किया जाने के संबंध में, यानी कि जो भी वैकेंसी जो निकाली जा रही है, यानी कि पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत यानी कि पद सृजित किया गया, उसी के रिगार्डिंग ये सूचना भी जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या इतना के दिनांक 18/7/2024 द्वारा पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन किया गया है, यानी कि गठन किया गया जिसका नाम है पंचायती राज अभियंत्रण संगठन, वो गठन किया गया जिसमें यानी कि पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत सहायक अभियंता एवं सहायक वास्तविक का पद सृजित किया, यानी कि दो पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आई, जो कि देख सकते हैं पहला जो पोस्ट रखा गया सहायक अभियंता का और दूसरा रखा गया सहायक वास्तविक का पोस्ट रखा गया, जो कि ये जो वैकेंसी जो कराई जाएगी नव सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन कराई जाएगी, यानी कि जो भी वैकेंसी जो आपकी होगी परमानेंट जॉब रहने वाला नहीं है, ये संविदा पर जॉब होने वाला है। अब वीडियो में आप बने रहेगा, कितने सालों के लिए वैकेंसी कराई जा रही है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वही जानकारी देगा कि आपको इस नोटिफिकेशन को पब्लिक करना है, जो कि हम आपको ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से बता रहे हैं। हो सकता है कल के डेट में आपको ये न्यूज़पेपर में मिले, नहीं तो आज ही के डेट में हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी बताया गया, जो कि पोस्ट की बात करें सहायक अभियंता यानी औपचारिक पद है, यानी सहायक वास्तविक का पद है, यानी कि दो प्रकार के पोस्ट रखा गया सहायक अभियंता का और सहायक वास्तविक का, जो कि इसका जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों आपके लिए जरूरी होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन में और एक्सपीरियंस। जो कि बात करें अगर क्वालिफिकेशन यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता और सहायक वास्तविक, यानी कि दोस्तों ये नए लोगों के लिए पोस्ट नहीं रखा गया, यानी कि जो भी सेवानिवृत्त यानी जो पहले से काम कर रहे थे केंद्र सरकार या राज्य सरकार में, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको यानी कि सेवानिवृत्त सहायक के पोस्ट पे या और सहायक वास्तविक के पोस्ट पे जो कार्य कर चुके हैं पहले, उन लोगों के लिए पोस्ट रखा गया है, जो कि साफ साफ इसमें आप देख पा रहे होंगे, जो कि पोस्ट केवल मेल के लिए रखा गया, जो कि एक मेल के लिए रखा गया ऑन रिजर्व कैटेगरी मतलब आते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, जो कि देख सकते हैं मेल के लिए रखा गया, फीमेल के लिए इसमें कोई पोस्ट रखा नहीं गया, जो कि शून्य दिखलाई दे रहा है। अब इसमें सैलरी की बात किया गया, जो कि देख सकते हैं फिक्स्ड पे पर मंथ देखा गया, लास्ट पे ड्राउन द पेंशन, यानी कि आपका आखिरी जो पेंशन मिलता होगा उसके बेहे पर कुछ आपका सैलरी दिया जाएगा, लेकिन जॉब लगने के बाद आपको ये पूरी जानकारी बताई जाएगी कि कितना आपको सैलरी मिलेगा।
तो ये कुछ जानकारी हो गया। अब ये पोस्ट तो शर्मिंदा पे होगी, जो पहले आपको बता दिए, जो कि अगर आप बिहार के अलावा अदर राज्य से भी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी आवेदन कर सकता है, जो कि सेवानिवृत्त अभियंता या वास्तविक या शर्मिंदा आधारित नियोजन के लिए। उम्र सीमा की बात करते सामान्य प्रशासन के जो नियम बनाए गए इतने के दिनांक यानी 10-15 का उपबंध में आच्छादित होगा, उम्र सीमा की गणना की जाएगी, जो कि आवेदन प्रक्रिया आपको जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया होगा आने के प्रक्रिया जो इसमें होगा ये पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा, जो भी किस तरीके से चयन प्रक्रिया करना है ये सबकी जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की होगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अर्हता रखते हैं तो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन अलग अलग कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया गया है, जो कि हम आपको दिखलाएंगे कि कहाँ से लिंक मिलेगा, जो कि 6/10/2024 तक अपराह 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर डेट लगभग आपको बात करें तो 10 दिन का समय दिया गया है, तो जल्द जल्द आवेदन कर लीजिए अगर आप इच्छा रखते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो जो कि इसमें और भी जानकारी दिया गया कि पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के संबंधित पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के अनुसार दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीन को क्षतिज आरक्षण का अनुमान यह भी होगा। अब इसमें ये जानकारी दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प से इतना के दिनांक 20/1/2016 में अंकित प्रावधानों का लक्ष्य योग्य महिला अभ्यर्थी को अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष संगत कोटि यानी आरक्षण गैर आरक्षित पुरुष उम्मीदवारों के पदों पर भरा जा सकता है सकेगा, जो कि ये जानकारी दिया गया। अभी बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत इसमें कोई त्रुटि सुधार एवं किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा और ना ही इसका अवसर भी दिया जाएगा, यानी कि जब भी आप आवेदन करें तो किसी प्रकार की गलती ना करें, नहीं तो इसमें सुधार का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी, यानी जो भी ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आप डिटेल्स देंगे उसी के आधार पर आपको जो भी सूचना के आधार पर जो भी वैकेंसी में कार्रवाई की जाएगी यानी कि नियोजन में कार्रवाई की जाएगी वो जानकारी दिया गया। अभ्यर्थी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा है, किसी प्रकार का FIR अगर वगैरह नहीं हो उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, यदि बाद में यह पता चलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। ये कुछ जानकारी था जो कि सेनानी से पूर्व यानी अंतिम 5 वर्ष तक गोपनीय अभियुक्ति यानी कि PR ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना होगा। जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो सेवानिवृत्त से पहले अंतिम यानी 5 वर्ष का जो भी PR ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होता है वो आपको अपलोड करना है होता है, जो कि गोपनीय अभियुक्ति जो जिसे बोलते हैं वो आपको अपलोड करना है आवेदन करते समय। चयन प्रक्रिया संपूर्ण अधिकारी पंचायती राज विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। चयन उम्मीदवारों की नियुक्ति पंचायती राज विभाग के मुख्यालय में की जाएगी, यानी कि आपको पंचायती स्तर पर ही मतलब जो भी आपके चयन हो जाएंगे अगर तो कि जो भी नियुक्ति होगी पंचायती राज विभाग के मुख्यालय में ही की जाएगी। कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र फलस्वरूप PPO के आधार पर माना जाएगा, ये भी जानकारी दिया गया है। तो अभी यहाँ से एक बार देख सकते हैं, देखो बहुत सारा बताया गया है जो कि आपको एक बार देख लेना चाहिए। और जो भी संविदा के आधार पर जो नियोजन कराया जा रहा है 1 वर्ष के लिए होगी और नियमित नियुक्ति की जाने के फलस्वरूप संविदा नियोजन समाप्त कर दिया, यानी कि 1 साल के लिए आपको ये लिया जा रहा है। हो सकता है कि बढ़ भी जाए लेकिन इसमें साफ साफ लिखा गया 1 वर्ष के लिए ही जॉब ये होने जा रहा है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। आवेदन करने के लिए आपको दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन में हमने तो एक लिंक दिया है, अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये 1 वर्ष के लिए मतलब आवेदन लिए जा रहे हैं जो कि संविदा पर जॉब होने वाला है, किसी कार्यालय में ही आपको जॉब करना होगा, पंचायती राज कार्यालय में ही आपको जॉब करना होगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिखलाई देगा, इस वाले वेबसाइट पर आइएगा जिसका लिंक हमने डायरेक्टली दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको पोस्ट चयन कर लेना है कि इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जो भी पोस्ट के लिए आवेदन कर इस पर पोस्ट चेक करके आपको अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे फादर्स नेम ईमेल आईडी यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है, जेंडर कौन सा है और यहाँ से कैटेगरी, तो इसे अब अनटिक ही रहेगा क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी का ही अब मतलब आवेदन हो रहा है, ऐसा नहीं कि SC ST के लिए अलग अलग हो रहा है। इसमें फिजिकली यानी विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब इसमें बोला गया फ्रीडम फाइटर हैं तो यस नो करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, पासवर्ड बनाएंगे और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और बाकी की जो जानकारी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर हो जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन करके अपने जो भी डिटेल्स से आपको भर देना है, अपलोड भी आपको करना होगा, आपका इमेज हो गया, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा और जो भी युक्ता है उसके रिगार्डिंग आपको स्कैन करके यानी PDF फाइल में भी अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो चाहिए किस तरीके से आपको आवेदन करना है, नहीं तो अगर आप साइबर कैफे से करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं।